तशरीफ लाए हैं क्योंकि आज हमारे अजीज और वतन में बहुत से मशहूर जिनने वतन के लिए बहुत काम किया है और कर रहे हैं और ख़ासकर जम्मू कश्मीर के लिए भी जिस तरह ने आवाज़ उठाई है, श्री यशवंत सिन्हा जी तशरीफ लाए हैं जो अपोजिशन की तरफ से हिंदुस्तान के सदर के लिए चुने गए हैं। हमारी अपोजिशन की तरफ से हम इनका शुक्रगुजार हैं कि इनको बहुत जगहों पर जाना था, अगर कि हमारे सिर्फ 3 ही MPs हैं, असेंबली है नहीं, मगर तब भी इन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों की धड़कन को समझने के लिए और उसको दिल से जोड़ने के लिए इन्हें तकलीफ़ की और तशरीफ लाए हैं। हम सब लीडर हर जमात के जो यहाँ पर हैं वो आप देख रहे हैं, यहाँ पे कांग्रेस से हैं, महबूबा जी भी हैं, PDP से हैं, NCP है, हमारी जो है कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सिस्ट भी हैं, यहाँ पे हमारे जो है माइनॉरिटी सेल सरदार जी भी हैं, कश्मीरी पंडित भी हैं, हमारे NCP से हैं भी यहाँ पे हैं, यानी हर अपोजिशन पार्टी के यहाँ रिप्रेजेंटेशन न सिर्फ कश्मीर से हैं बल्कि जम्मू से भी आए हैं। हमने इनके सामने अपने मोहब्बत का इजहार किया है, अपनी दुआओं का इजहार किया है और अपने मुश्किलात का इजहार भी इनसे किया है जो ये पहले से ही जानते हैं। मुझे खुशी है कि आज हम सबसे मिलने आए, मैं इनका बहुत आभारी हूँ। अल्लाह आपको सलामत रखे, कामयाबी बख्शे और अब मैं ये माइक जो है इनके हवाले करूँगा कि ये आपसे मुखातिब हो सके। यशवंत सिन्हा जी, बहुत शुक्रिया फारूक साहब, मीडिया के हमारे दोस्तों, मैं अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन के सिलसिले में आज यहाँ आया हूँ, लेकिन मैं अपनी बात की शुरुआत इस सख्त अफसोस के साथ कर रहा हूँ कि अमरनाथ यात्रा में एक हादसा हो गया और इतने सारे लोग उसमें मारे गए। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जितने लोग बच सकते हैं उनको बचाने का काम करेगी और जितने लोग हलाक हुए हैं उनके बारे में सच्चे फैक्ट्स देश के सामने रखेगी। मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए जम्मू और कश्मीर के सारे आवाम को अपनी तरफ से ईद की मुबारकबाद भी देता हूँ और ये भी आशा करता हूँ कि यहाँ और पूरे मुल्क में ये हमारा जो बहुत ही पवित्र पर्व है ये शांति के साथ गुजर जाएगा। मीडिया के हमारे दोस्तों, आप जानते हैं कि ये एक दूसरा मौका है हमारे इतिहास में जब जम्मू और कश्मीर में असेंबली नहीं है और इसलिए यहाँ के लोगों का राष्ट्रपति के चुनाव में जो भागीदारी है, जो पार्टिसिपेशन है, वो वास्टली रिड्यूस्ड हो गया है, बहुत कम हो गया है। और मेरे लिए ये सख्त अफसोस की बात है कि इस बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव में जम्मू और कश्मीर के लोगों की जो हिस्सेदारी होनी चाहिए वो हिस्सेदारी नहीं हो पा रही है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मैं महसूस करता हूँ कि अपने कैंपेन के सिलसिले में अगर मैं यहाँ नहीं आता
तो मेरा कैंपेन अधूरा रह जाता, क्योंकि जम्मू और कश्मीर से आप जानते हैं कि मुझे बहुत प्यार है और बार बार वह प्यार हमें यहाँ खींच कर लाता है। लेकिन हर बार जब मैं यहाँ आता हूँ तो खुशी तो होती है, लेकिन उससे ज़्यादा अफसोस होता है जब मैं यहाँ के हालात को देखता हूँ, यहाँ देखता हूँ कि किस प्रकार लोग जीने के लिए मजबूर हैं। और पूरे मुल्क में एक झूठा प्रचार किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है जम्मू और कश्मीर में, जब हम जानते हैं कि ऐसा नहीं है। और मैं एक ही सवाल आपसे करना चाहता हूँ या आपके सामने रखना चाहता हूँ कि 2018 से यहाँ असेंबली भंग है, 4 साल होने जा रहे हैं, क्या ऐसा कोई स्टेट है इंडिया में जहाँ पर कि 4 साल तक लगातार सरकार जमहूरियत को नकारने का काम करती रहे, वहाँ के लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं दे? लेकिन यहाँ पर ये नाइंसाफी हो रही है और देश में बहुत कम लोगों की इसकी जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर में जो लिमिटेड डेमोक्रेसी थी वो भी खत्म हो गई है, उसका भी गला घोट दिया गया। तो इसलिए मेरे आने का मकसद यहाँ पर ये था कि हम एक बार फिर इस कैंपेन के दरमियान सॉलिडारिटी दिखाएं अपनी जम्मू और कश्मीर के लोगों के साथ, और ऊपर वाले से ये गुजारिश करें कि वो सरकार को सद्बुद्धि दे और यहाँ के हालात में सुधार हो, इम्प्रूवमेंट हो। मेनी ईयर्स माई फर्म सॉलिडारिटी विद द पीपल एंड द पोलिटिकल पार्टीज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन देयर स्ट्रगल फॉर पीस, जस्टिस, डिग्निटी, ह्यूमन राइट्स एंड अदर राइट्स गारंटेड टू देम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। It is deeply regrettable that the Honorable Supreme Court of India has not even begun the hearing of the matter related to Article 370 and 35A, nearly 3 years after the central government revoked these articles. Long pendency of constitutional cases erodes the credibility of the apex court. The statehood of Jammu and Kashmir should be restored and free and fair elections to the assembly should be held at the earliest. I am opposed to the forcible and manipulative demographic changes in Jammu and Kashmir. The central government has failed in its promise to create conditions for the safe and dignified return and resettlement of Kashmiri Pandits. It must fulfill this promise not only for Kashmiri Pandits, but for all those who were forced to migrate out of Kashmir due to the disturbed conditions here. The people of Jammu and Kashmir have suffered a lot due to terrorism and violence of various types. Their desire for peace must be fulfilled. I strongly condemn the malicious and false portrayal of the Kashmiri people as unpatriotic in a section of the mainstream national media. और मैं जोड़ूंगा अपनी तरफ से कि हमारे जितने यहाँ पर साथी बैठे हैं, फारूक साहब बैठे हैं, महबूबा जी बैठी हैं, इनसे बड़ा पेट्रियट इस देश में दूसरा कोई नहीं है। इफ दीज आर नॉट पेट्रियोटिक पीपल देन नन ऑफ अस हैव ए राइट टू क्लेम एनी पेट्रियोटिज्म टुवर्ड्स आवर कंट्री। ऑन 24th June 2020, 2 years ago, Prime Minister Narendra Modi had promised the leaders of political parties from J&K, Farooq Saab bhi the us meeting mein, abhi thi, that he would take steps to remove Dil Ki Doori and Delhi Ki Doori
Over 2 years have passed and the promise remains unfulfilled. एक और जुमला जुड़ गया इस सरकार के तवारीख में। I also want to say to you that if elected, I shall perform my duty as the Constitution, custodian of the Constitution, without fear or favor. One of my priorities would be to urge the government to take all necessary steps to resolve the Kashmir issue permanently and restore peace, justice, democracy, normalcy, and end the hostile development towards Jammu and Kashmir. I have great personal regard for the candidate of the ruling party, jo hamare samne khadi hai. However, from Srinagar, I urge her to make the same affirmation and promises I have made just now. The people of Jammu and Kashmir also expect this assurance from her. थैंक यू। जसपुर सिन्हा जी, जिस लॉन में आप बैठे हैं 4 अगस्त 2019 को पीएचडी यहीं से शुरू हुआ और एतवार की बात है कि जब आप यूनाइटेड अपोजिशन के उम्मीदवार के तौर पर वोट मांगने का सिलसिला शुरू किया, आप सजेस्ट करेंगे कि पीएचडी को आगे इसी तरह से जिस तरह से यूनाइटेड अपोजिशन पूरे मुल्क में इस वक्त जसपुर सिन्हा के लिए इकट्ठी है, इसी तरह से पीएचडी के लिए जितने भी खासकर कांग्रेस पार्टी पीएचडी का हिस्सा होकर त्रिपोल अलायंस वगैरह, ताकि जम्मू कश्मीर, आपने कहा कि डेमोक्रेसी जितनी बची हुई थी वो ख़त्म हो गई, ताकि डेमोक्रेसी को रेस्टोर करने में मदद मिले। मैं ज़रूर ये उम्मीद करूँगा। पहले तो मैं यहाँ के सारे नेताओं को मुबारकबाद देता हूँ कि वो इकट्ठे आए, उन्होंने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन बनाया जो बहुत मजबूती के साथ आज खड़ा है जम्मू और कश्मीर और देश के लोगों के सामने। मुझे कोई शक नहीं है कि मजबूती बनी रहेगी और आगे भी पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो मिलकर काम करती रहेंगी। मुन्ना साहब, जो इस वक्त मुल्क के हालात या जम्मू कश्मीर के हालात हैं, जब भी मरकज में सरकार बनती है एक आइडियोलॉजी लेकर बनती है, सबकी राय को देखना पड़ता है, मद्देनज़र रखना पड़ता है, तब जबकि मुल्क चलता है। क्या आप मानते हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट चल रही है एक पर्टिकुलर साइड को लेकर चल रही है, जिसका नतीजा मुल्क के भी हालात शायद अनस्टेबल है और जम्मू कश्मीर के लोग भी भुगत रहे हैं और यहाँ के लीडर्स एक्सेप्ट जो कंडमनेशन के बगैर कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, आगे कब तक आपको लगता है यही चलेगा? देखिए, कब तक चलेगा ये तो इस पर डिपेंड करता है कि हम लोग कितनी मजबूती से लड़ाई लड़ते हैं इसके खिलाफ। लेकिन मैं आपसे अग्री करता हूँ कि पूरे मुल्क के हालात इस समय बहुत बिगड़ चुके हैं। जो एक हारमोनी थी हमारे मुल्क में वो ख़त्म हो चुकी है, ख़त्म किया जा चुका है उसको जानबूझ के। इकॉनमी की हालत जो है वो आप लोगों के सामने है, बहुत ज़्यादा विस्तार से उसके बारे में आज कहने की ज़रूरत नहीं है। सरकार जिस तरह काम कर रही है वो भी हम लोगों के सामने है। तो ये हालात जो हैं मुल्क में वो परमानेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इस देश का एक मिजाज है और वो मिजाज इसको टॉलरेट नहीं करेगा। मैं मानता हूँ कि एक टेम्पररी एबरेशन है, जिससे हम लोग अगर सब मिल के कोशिश करें तो हमको छुटकारा मिल सकता है। अगर पीएचडी पहले शायद बनी होती, नॉट बाय कंपल्शन बाय चॉइस, अब ये तो कहना मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन अभी जो बनी है उसको मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। और आपने देखा यहां पर फारूक साहब ने पूरी रियासत से कितने लोगों को इकट्ठा किया है, जो दिखाता है कि जम्मू और कश्मीर में लड़ने की ताकत जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। लोग लड़ेंगे और हम लोग सब साथ हैं मुल्क की तरफ से। आगे चलकर मुझे लगता है कि हो सकता है किसी के चलते जम्मू और कश्मीर में असेंबली को बहाल नहीं किया जा रहा है, शायद इसीलिए दोबारा चुनाव नहीं किया जा रहा है, शायद इसीलिए एक बहुत
जोन का डिलिमिटेशन कराया गया जिसमें कि किसी को इंसाफ नहीं मिला ऐसा लगता है। तो ये सब जो मैनेजमेंट हो रहा है ना, उस मैनेजमेंट से जम्मू और कश्मीर को जीता नहीं जा सकता है उन लोगों के द्वारा जो हुकूमत पर दिल्ली में बैठे हैं। यहाँ के लोग जो चाहेंगे वही होगा। सुना जी, क्या आपको लग रहा है कि जो पार्लियामेंट में नंबर्स है वो आपके फेवर में, स्पेशली जो मुंबई में नई हुकूमत बन गई है? देखिए, मुंबई में जो नई हुकूमत बनी है वो बहुत दिनों से उसकी कोशिश चल रही थी, और मुंबई में ही क्यों, हम सब जानते हैं कि जिस पूरे प्रोसेस का नाम उन्होंने ऑपरेशन कमल दिया है, वो ऑपरेशन कमल का मकसद ही है कि चुनी हुई सरकारों को गिराओ, और महाराष्ट्र पहला उसका एग्जाम्पल नहीं है। हम जानते हैं इसके पहले वो कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, गोवा में हुआ, मेघालय में हुआ, कई जगह ये काम इन्होंने किया है कि जो मैंडेट है, पीपल्स मैंडेट, उसके खिलाफ जाकर ये सरकार बनाने का काम करते हैं। कैसे बनती है आप भी जानते हैं, सारे एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, भारत सरकार की सारी एजेंसियों का दुरुपयोग होता है इसको करने के लिए, और वही नज़ारा हम महाराष्ट्र में अभी हमने देखा। कुछ नुकसान होगा, लेकिन मैं दो बातें आपसे कहूँगा। एक तो ये जो लड़ाई है ये केवल इसलिए नहीं है कि संख्या किसके पास कितनी है और किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, ये लड़ाई जो है ये प्रिंसिपल की लड़ाई है, आइडियोलॉजी की लड़ाई है, और इसलिए इस लड़ाई को लड़ा जाना चाहिए, और इसलिए मैं इस लड़ाई को लड़ रहा हूँ। दूसरी बात मैं आपसे कहूँगा कि बहुत सारी बातें जो अभी सामने नहीं है वो शायद 18 जुलाई तक सामने आएंगी, और जो नतीजे आएंगे इस चुनाव को के उसमें भी दिखेंगे।